MFP 1136 HP का प्रिंटर है। इसमें HP ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम थी, आप देख सकते हैं। ज़्यादातर इसमें स्कैनर यूनिट का फॉल्ट आता है। स्कैनर यूनिट भी हमने इसकी अच्छी तरह से साफ़ कर दी, उसके बाद भी इसमें ये वाली ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी। जो जो भी सस्पेक्टेड फॉल्ट थे सब अपने देख लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सही नहीं हो रहा था। अब ये रेडी हो रहा है, देख सकते हैं आप, स्कैनर रेडी हो रहा है। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। इसके जितने भी कनेक्टर हैं ये रिबन केबल्स हैं, ये सारे इनके हमने अच्छे से जितना भी था इंसुलेशन साफ कर दिया, दोबारा लगाए, सारे साफ करे, स्कैनर केबल दोबारा से लगाई, नई डाल दी, बल्कि उसके बावजूद भी सेम प्रॉब्लम थी। ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो हमने चेक ना करा हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या निकली वो देखते हैं। स्कैनर यूनिट हमने हटा दी है और ये डिस्प्ले भी हटा दिया इसका। ठीक है, अब हम इसका ये खोलेंगे कवर, इसको हल्के से इधर से निकालना होता है और इसको इधर से निकाल लो। और ये वाली जो टैब है इसको इसमें कट होता है यहाँ पे, तो इसको बीच में स्लाइड से ऐसे घुसा के और इस तरह से अलग कर दें तो ये निकल जाएगा। पेच हमने इसके खोल दिए, ठीक है, ये यूनिट अलग हो गई है। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या निकली है, बाकी तो ये ओके हो चुका है। लेकिन अभी कोई साथ में है नहीं, एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाया इसकी। लेकिन क्या है कि इसका अंदर फ्यूज़र रोलर और ये बहुत डस्टी थे, ये सारे मैंने साफ़ किए। इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी, ये बहुत डस्टी हो रहा था, इसके अंदर बहुत डस्ट थी जिसकी वजह से कई सेंसर्स काम नहीं कर। अब ये देखिए, पेपर आउट सेंसर, ये सारे अच्छे से साफ़ करें, ये निकाल के, ये प्लेट पूरी यहाँ से, ये इसके टैब हैं, इसे दबा के आप प्लेट को ये निकाल सकते हैं सेंसर की। ठीक है, ये वायर इसकी एक वीडियो फ़ोटो खींच लें पहले, ताकि जैसे फ़ोटो आपने खींची है अगर कहीं भूल जाए तो आप इसके वैसे ही तार को लगा दें। ठीक है, और इसके नीचे एक दूसरा सेंसर होता है, ये ऐसे खुलेगा, हल्का सा उठेगा ऊपर इस तरह से। ठीक है, एक सेंसर ये है, ये कार्ट्रिज सेंसर होता है, कार्ट्रिज इसके अंदर है या नहीं है ये सेंसर शो कर देता है। कई बार क्या होता है, कार्ट्रिज हम लगा देते हैं उसके बाद भी ये आता रहता है कि इसमें कार्ट्रिज नहीं है, तो उस समय ही सेंसर को चेक कर दें। ठीक है, तो
ये सेंसर हमने खोल के पूरा साफ करा है यहाँ से, ठीक है। एक तरफ इसमें एलईडी होता है, एक तरफ फोटो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, जिसके बीच में कोई इंटरप्शन के लिए ये लगी होती है, तो जब ये हटती है तभी वो सेंस कर पाता है। इसी तरह से इसमें भी दो सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमने यूनिट इसकी चेक कर ली थी, ठीक है। इसमें करीब 70 ओम के आसपास की रेजिस्टेंस बताती है, इसके अंदर की जो ये हीटिंग रॉड है पूरी, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने चेक किया, सब कुछ ओके था, लेकिन फिर भी इसमें HP ब्लिंक कर रहा था, ठीक है। तो हमने सारा खोल के अच्छे से साफ़ किया है, स्कैनर लेज़र यूनिट बहुत अच्छे से साफ़ करी है, ऊपर का स्कैनर भी। तो कई बार क्या होता है, कोई फॉल्ट ऐसा नहीं निकलता, लेकिन तब भी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में क्या करें कि पूरा का पूरा जो, तो उसको पूरा का पूरा आप अच्छे से चेक करें। कई बार सेंसर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार यूनिट गंदी होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इनको थोरोली चेक करके सारा, कोई बर्न आउट तो नहीं है, कोई पुर्जा जला हुआ तो नहीं है, अच्छे से चेक करके और अच्छे से सफाई करके उसके बाद ही किसी पुर्जे या कंपोनेंट को बदलने की कोशिश करें। कई बार हो सकता है हमारी डस्ट साफ़ हो जाए अच्छे से, पूरा प्रिंटर जो है ओवरहॉल क्लीन हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। चार पेज इस यूनिट के लगेंगे। उसके बाद हम ये वाला ढक्कन लगाएंगे ऐसे, पहले एक इधर और एक इधर, ऐसे टिक जाएगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे फंस जाएगा। दूसरी साइड का भी लॉक ऐसे ही करके इसमें ठीक है, और ये जो है जैसे हमने निकाला था, ठीक है, पहले हल्का सा एक साइड से करके ऐसे करके फंस, ये हमारा लग गया। इसके बाद हम इसको ऐसे घुमा के साइड के कवर लगाएंगे। ये स्कैनर यूनिट अपने ऊपर फिट कर दिए, इसका ये लॉक यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगा के फिर यहाँ से फंस जाता है और ये ऊपर इसके लॉक लग जाता है, ठीक है। और साइड का ये कवर लगाने से पहले इसको पहले कस लें और इसका ये वायर लगा लें, रिबन केबल लगा लें डिस्प्ले की, और इसका ये भी लगा लें स्कैनर केबल, और ये रिंग ज़रूर लगाएं, ठीक है, इससे इंटरफेरेंस नहीं रहती। और जो पेपरों में कई बार लाइनें आती हैं वो इसको ना लगाने की वजह से आती हैं, जैसे स्पार्किंग की लाइनें, ठीक है। उसके बाद ये साइड का लगाएंगे कवर, इसको लगाने के लिए हमें ये खोलना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा तब ये फंस के बाद में इसको लॉक करेंगे। इस तरह से करके पहले ये आगे की तरफ से जाता है इस तरह से, ठीक है, आगे की तरफ लग के, और उसके बाद इसके अंदर फिट होगा। इसको खोल लेंगे, पहले इसको खोल के थोड़ा ऊपर कर लेंगे, और उसके बाद ये इस लॉक में, ये इस लॉक में फंसेगा,
ठीक है, ये इस लॉग में फंस गया है और ये अपनी जगह आ जाना चाहिए। उसके बाद इसको पीछे से हल्का सा स्लाइड करेंगे, ठीक है, तो ये सुराख इसके मिल जाने चाहिए। ये कट में ये सप्लाई की कट, तो हमारा ये साइड का लग गया। इसके बाद फिर हम इसको वापस